दोस्तों मैं आशीष कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं अपने बैंक अकाउंट के साथ अपना आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद 100% है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आपके 2 मिनट के अंदर आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो है पंजाब नेशनल बैंक। मतलब अगर मैं आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का खाता है तो उसमें आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आप दूसरे बैंक में आपको लिंक करवाना है जैसे कि स्टेट यूनियन, केनरा, HDFC, ICICI, एक्सिस, तो उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि उसमें कैसे घर बैठे कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, उस बैंक का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, तो हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बना देंगे। बट अगर मैं आप पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर मैं अकाउंट होल्डर है पंजाब नेशनल बैंक का, तो आपके पास एक 3 तरीका है इसमें आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। तो पहला है ब्रांच, दूसरा है ATM मशीन, और तीसरा है आपके जो बैंक पासबुक है उसके साथ, जो मतलब आपके खाता है उसके साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए, और जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये जो आपके अकाउंट से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ना, उस पर भी OTP जाएगा, और जो आपके आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर, जो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर भी एक OTP जाएगा, तभी आपके पंजाब नेशनल बैंक में लिंक हो पाएगा। अगर मैं आपके आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और बैंक पासबुक से रजिस्टर्ड है, तब आपको क्या कीजिएगा, ATM मशीन से कीजिएगा। ATM मशीन वाला भी मैं आपको 2 से 3 दिन के बाद वीडियो बना दूंगा, ATM मशीन से कैसे आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मोबाइल से कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको पहले आपको वो प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, और गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के लिख के सर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे https://www.pnbindia.in आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 लाइंस दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे अपडेट आधार के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर रहेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलेगा अकाउंट नंबर डालने के लिए, तो आपका जो भी 16 डिजिट का या जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे उसके बाद आपके पास एक 6 डिजिट का एक OTP आएगा, उस OTP को इसमें फिल करना है, और उसके बाद ये जो कैप्चा दिखाई देगा इस कैप्चे को इसमें फिल करना है, और उसके बाद आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, तो जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 6 डिजिट का एक OTP आएगा, उस OTP को इसमें फिल करना है। बट OTP उसी पे आएगा जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसी पे OTP आएगा, ठीक है। बाद आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आधार डिटेल्स कैप्चर सक्सेसफुल, मतलब आपके जो बैंक अकाउंट है उसके साथ आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, और आप 24 घंटे के बाद आप उससे पैसा वैसा जो भी आधार कार्ड से पैसा वैसा निकालना होगा या जो भी बेनिफिट लेना होगा, ठीक है, वो आपका फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया हूँ कि आप अपने मोबाइल से मात्र 2 मिनट के अंदर आप अपना आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा उन लोग आप ATM मशीन से कीजिएगा, 100% है उससे भी आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। और अगर मैं आप ATM मशीन से भी नहीं करना चाहते होंगे तो आप ब्रांच से भी कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, तो आपको जैसे आसानी पड़े वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। मगर 2 से 3 दिन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ATM मशीन से कैसे आधार कार्ड को लिंक करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में आप सीख गए होंगे कि ऑनलाइन आधार कार्ड को लिंक कैसे किया जाता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।